भारत देश पर ब्रिटेन के लंबे शोषण उत्पीड़न पूर्ण औपनिवेशिक शासन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह व्यक्तित्व और अदम्य साहस के धनी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से 562 देशी रियासतों में से अधिकतर का विलय भारत में हो गया। भारत को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहसी व्यक्तित्व और दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। जिन्ना जहाँ एक ओर द्विराज सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की योजना में सफल हो गया, वहीं भारत के अन्य रियासतें जहाँ पर सत्ता मुस्लिम शासकों के हाथ में थी उन्हें उकसाकर इस्लामिक राज्यों के रूप में बने रहने के लिए उकसाने की योजना पर काम करता रहा, जिससे भारत का विखंडन हो जाए। इसी संदर्भ में हैदराबाद के निजाम की योजना भारत से अलग अपनी सत्ता बनाए रखने की थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना औरंगजेब के सेनापति गाजीउद्दीन खाज फिरोज जंग के पुत्र मीर कमरुद्दीन चिन किलिच खान ने की थी, जो खुद को खलीफा अबू बकर का वंशज मानता था। हैदराबाद राज्य मुगलों के कुशासन का अंतिम अवशेष था, जिसकी भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उत्तर में मध्य प्रांत, पश्चिम में बम्बई और दक्षिण एवं पूर्व मद्रास राज्य से घिरा था। सरदार पटेल का शुरू से ही मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसे क्षेत्र हैदराबाद का होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 15 अगस्त 1947 को जब धर्म के आधार पर बंटवारा होकर देश स्वतंत्र हुआ, तब माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत की 562 देशी रियासतों के पास 3 विकल्प थे। पहला, भारत में विलय करें। दूसरा, पाकिस्तान में विलय करें। तीसरा, स्वतंत्र रहें। अधिकांश देशी रियासतों ने अपने अपने धार्मिक संरचना के अनुरूप भारत या पाकिस्तान में विलय का ही विकल्प चुना। बस हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतें ही ऐसी थीं जो माउंटबेटन योजना के तीसरे विकल्प का लाभ उठाकर पाकिस्तान की सहायता करना चाहती थी। हैदराबाद जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी अधिक था और आबादी 1,60,00,000 थी, यानी कि यूरोप के कई देशों से भी अधिक। उसकी अपनी सेना, रेल सेवा एवं डाकतार व्यवस्था थी। वहाँ 85% हिंदू आबादी थी, किंतु मुस्लिम शासक थे। उनके पास रजाकारों की निजी सेना भी थी। प्रशासन एवं सेना के उच्च पदों पर मुसलमान की ही नियुक्ति की जाती थी। एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान भारत ने हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान को 1 वर्ष का वक्त यह सोचने के लिए दिया कि आप सोच समझकर निर्णय करें कि आप भारत का हिस्सा बनना पसंद करेंगे या पाकिस्तान का, और फिर 1 वर्ष बाद जनमत संग्रह के माध्यम से हैदराबाद का भविष्य तय होगा। हैदराबाद के निजाम ने कई कोशिशें करी कि उसकी रियासत का भारत में विलय ना हो। उसने अंग्रेजों से इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर राष्ट्रमंडल देशों में शामिल करने का आग्रह किया, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया। पटेल खुफिया सूत्रों के माध्यम से निजाम की गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। हैदराबाद के निजाम भारत में विलय बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। जहां वह एक तरफ बार बार प्रतिनिधि मंडल भेजकर भारत सरकार को उलझाए रखना चाहते थे, वहीं पर वो विदेशों से हथियार की खरीद भी कर रहे थे और जिन्ना के भी संपर्क में थे। निजाम ने इसी बीच अपना प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान में भेजा और यह जानने की कोशिश करी क्या वह भारत के खिलाफ उनके राज्य का समर्थन करेंगे। उसने जिन्ना को भारत से युद्ध की स्थिति में सहायता के लिए पत्र लिखा, लेकिन युद्ध के लिए जिन्ना साहस नहीं जुटा पाया और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद जिन्ना की मृत्यु भी हो गई। बाद में पाकिस्तान ने पुर्तगाल को हैदराबाद की मदद करने को कहा, किंतु पुर्तगाल ने भी मना कर दिया। तब निजाम ने भारत से युद्ध की मंशा से इंग्लैंड से सैन्य हथियार खरीदने के लिए अपने आदमी भेजे, पर उसे वहां सफलता नहीं मिली। बाद में ऑस्ट्रेलिया से हथियार मांगना तय हुआ, लेकिन जिस हवाई जहाज से हथियार आने थे उस हवाई जहाज पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। निजाम हैदराबाद के भारत में विलय के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भी गया, लेकिन उसे वहां भी सफलता नहीं मिली। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान विलय ना करने की हट पर अड़ा था, जबकि हैदराबाद की जनता भारत में विलय चाहती थी, पर निजाम ने उनके आंदोलन को अपनी निजी सरकार रजाकार के द्वारा दबाना शुरू कर दिया।
रजाकार एक निजी मुस्लिम सेना थी जो निजाम के शासन को बनाए रखने तथा भारत में विलय का विरोध करने के लिए बनाई गई थी। निजाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम MIM नामक संगठन को कार्य दिया कि या तो हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाओ या फिर इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर मौत की घाट उतार दो, ताकि जनमत संग्रह की स्थिति में हिंदू भारत में विलय के पक्ष में आवश्यक संख्या बल खो दें। निजाम का यह आतंकवादी संगठन निर्बाध रूप से अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया। इसी बीच उग्रवादी रजाकारों ने, जिनके समर्थन से निजाम स्वतंत्र इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता था, उन्होंने हिंसा, लूट और बलात्कार की गतिविधियों से राज्य के बहुसंख्यक हिंदुओं का जीवन नरक बना दिया। भारी संख्या में हिंदुओं को मार दिया गया। प्रताड़ित होकर बहुतों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। हैदराबाद में व्यापक स्तर पर भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थीं। पाकिस्तान द्वारा भारी मात्रा में गोला बारूद वहां भेजा जा रहा था और भारत में विलय के पक्षधर हिंदू जनता की रजाकार सेनाओं द्वारा हत्याएं की जा रही थी और बाहर से मुसलमानों को लाकर हैदराबाद में बसाया जा रहा था। इन सबको देखते हुए 12 सितंबर 1948 को कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें नेहरू और पटेल के साथ उस समय भारतीय सेना के सभी बड़े अफसर मौजूद थे। भारत ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया। 5 दिन युद्ध हुआ, जिसके अंत में रजाकार और निजाम के सैनिक गीदड़ की तरह भाग खड़े हुए। भारत की विजय हुई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। हालांकि जिन लोगों ने निजाम और रजाकारों के अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई, उनमें से ज़्यादातर को अपना जान माल गंवाकर भारी कीमत चुकानी पड़ी। राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए निजाम और उसकी रजाकार निजी सेना के अत्याचारों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र संघर्ष जनता में राष्ट्रीयता की भावना का एक अनुपम उदाहरण है।